गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय हिंद। बहुत दिन के बाद फिर बातचीत कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी का मेरिट लिस्ट का आप लोग वेट कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक कोई कहीं से कुछ खबर पता है नहीं, क्योंकि रीमेडिकल ही चल रहा है। और आप लोग भी अपने खोपड़ी को थोड़ा सा आराम दीजिए, रेस्ट दीजिए। सोचने से आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ नहीं जाएगा, जितना है उतना है। आप लोग के हाथ में जितना चीज़ था, एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल, रीमेडिकल, जितना कुछ था, आप उसमें अपना 100% दिए और आपको अच्छा रिजल्ट मिला। अब देखिएगा, दुनिया में आप जो भी किए, अपने मन से किए होंगे अगर, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर आप कहीं भी फेल्योर होते हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि आप वहाँ पे 100% अपना नहीं दिए, समझे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग के मन में जो टेंशन चल रहा है, कट ऑफ कितना जाएगा, इसके लिए हम वीडियो बना के भी रखे हैं और सोचते हैं बहुत कुछ क्लियर भी करेंगे, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कभी 2 दिन में एक तो वीडियो आता है, कभी 3 दिन में एक तो वीडियो आता है। तो हम इसलिए नहीं बनाते हैं, हम सोच रहे हैं कि पहले तो हमको आराम थोड़ा सा हो जाए तब हम बनाएंगे। थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि आप लोग का फाइनल हो जाए रीमेडिकल, उसके बाद, लेकिन आप अब ये मत सोचिए कि फाइनल होगा तो ही बनाएंगे। हम बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जितना भी सब है, आसाम उसम, सबका बारे में हम जो है उसके अंदर घुस कर कितना सीट है, कितना बच्चा अवेलेबल था, फिजिकल मेडिकल में कितना बच्चा प्रेजेंट हुआ और कितना पास हुआ होगा, फेल हुआ होगा, अंदाज एक्सपेक्ट करके, ठीक है। क्योंकि अभी तो किसी के पास कोई डाटा है नहीं कि कौन कितना पास किया है, कौन कितना फेल किया है। कोई आपको अपने मुँह से बोलता है मेरा 40 नंबर ज़्यादा है, मेरा 30 नंबर ज़्यादा है, तो फिर कट ऑफ इतना कम क्यों गया, ठीक है, मान लेते हैं। ऐसा तो संभव नहीं है ना कि जिसका 30 नंबर ज़्यादा है सिर्फ वही मेडिकल फिट किया है। हो सकता है जिसका 0.5 नंबर ज़्यादा हो कट ऑफ से, वो भी मेडिकल फ़िट किया हो। और आप लोग पासिंग रेशियो तो देखे ही होंगे इस बार फिजिकल मेडिकल का, समझे। हमको लगता है कहीं ना कहीं पिछले बार के पासिंग रेशियो से कम ही है इस बार। पिछला बार मेडिकल ठीक ठाक कैंडिडेट पास करा था, इस बार जो पिछला बार भी ग्राउंड फिट हुआ है वो भी इस बार रीमेडिकल फिट नहीं कर पाया। सोच लीजिए, मेरा अपना कैंडिडेट खुद बहुत सारा, समझे। तो ये सब चीज़ है इस बार। तो हमको ऐसा लगता है कि कट ऑफ उछाल उतना नहीं मारेगा जितना पिछले बार मारा था। पिछले बार कहीं कहीं देखे थे 20 नंबर आगे चले गया था, 25 नंबर आगे चले गया था। तो इस बार फिजिकल मेडिकल एक साथ होने से बहुत लोग को टाइम नहीं मिला इलाज ऑपरेशन करवाने का, पर बहुत जल्दी प्रक्रिया हड़बड़ी में भी चला। आप लोग का ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी दे देगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का मेरिट लिस्ट निकाल देगा। कुछ दिन तो और वेट कर लीजिए, उसके बाद आपके पास वो लिस्ट मिल जाएगा जिसको देखने के लिए आप लोग इतना दिन से वेट कर रहे थे। और जनवरी में आप लोग को चले जाना है घर छोड़ के, और क्या है, यही तो पूरा प्रक्रिया है। इस बार जो कट ऑफ बढ़ने का संभावना है, हमको लगता है 10-12, मैक्सिमम किसी किसी स्टेट में 15 चले जाए, यही रहेगा, इससे ज़्यादा है नहीं। आपको हम जोड़वाए थे एक बार कि अगर 100 सीट है उसमें 800 विद्यार्थी को बुलाया, उसमें 600 प्रेजेंट हुआ, समझे। 600 में फिर काट छांट के आपको बताए होंगे, फाइनली पता चला कि 150 विद्यार्थी के आसपास है और 100 सीट है, मतलब 1.5 गुना कैंडिडेट। अब 0.5 गुना को निकालने के लिए कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, 20 नंबर तो नहीं बढ़ा देगा, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। यही बात है, इस चीज़ को आप समझिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। और वीडियो का जहाँ तक बात, और सुनिए, वीडियो वीडियो का जहाँ तक बात है वो तो आते ही रहेगा। और अगर वीडियो नहीं बना पाने से पीछे कुछ रीज़न होगा कि प्रॉपर समय नहीं होगा, बस यही बात। लेकिन आप सबसे हम मिलते जुलते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। और हर एक स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट एरिया को तोड़ तोड़ के हम बताने का प्रयास भी किए हैं, और हम देखते हैं आज रात तक बहुत कुछ क्लियर करेंगे। और जो दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा भाई।